नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू हो रही है। करीब 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार और गोमुख से जल उठाएंगे, मगर इस बार यात्रा में पुलिस कांवड़ियों को आईडी देकर एंट्री देगी। यही नहीं, पुलिस डीजे पर बजने वाले सॉन्ग को भी तय करेगी। इसके अलावा पूरी कांवड़ यात्रा की ड्रोन से निगरानी होगी। यात्रा को लेकर सोमवार को मेरठ में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अफसरों से मंथन किया। पश्चिम यूपी में कांवड़ का ज़्यादा जोर रहता है। यही वजह है कि शाहजहाँपुर से वाया बरेली दिल्ली हाईवे को वन वे कर दिया जाता है। मेरठ, बरेली और बागपत के शिव मंदिरों में भक्त हरिद्वार और कछला घाट से जल लेकर पहुँचते हैं। वहीं पूरब में गंगा जल लेकर लोग काशी विश्वनाथ पहुँचते हैं। दूसरे सोमवार से कांवड़ का जोर बढ़ जाता है, जो कि चौथे सोमवार तक जारी रहता है। पूरी कांवड़ यात्रा को 5 जोन में बांटा जाएगा। जगह जगह पुलिस नाका रहेंगे। एक नाका पर 20 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। हर 5 किलोमीटर पर हेल्थ कैंप होगा। सड़क से हटकर शिविर लगेंगे। खोया पाया शिविर भी रहेगा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हर राज्य के बॉर्डर पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, आईबी इंटेलिजेंस, एलआईयू की टीम भी एक्टिव रहेगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।